हेलो गाइस, आई एम शहजाद अहमद फ्रॉम शेक्जी.com एंड जो है रिसीव करके देखेंगे कि यूजर की इन्फॉर्मेशन कैसे जो है रिसीव होती है फ्रॉम फेसबुक। एंड आपको पता है कि हमारी लॉगिन विद फेसबुक की सीरीज है जो यूजिंग कोडिंग नेटर की हम बना रहे हैं। एंड हमने किसी किसी पर्सन की, किसी थर्ड पार्टी की जो है लाइब्रेरी जो है वो डाउनलोड की थी एंड उसे अपने जो है वो कोडिंग नेटर सिस्टम में एम्बेड किया था। सेकेंड पे हमने फेसबुक की एप्लीकेशन बनाई थी, थर्ड पे हमने जो है उसको जो है वो कॉन्फिगर किया था एंड हमने देखा था कि फेसबुक ऐप एंड जो है सीक्रेट क्या है, रीडायरेक्ट यूआरएल और जो है लॉगिन यूआरएल वो भी देखा था हमने, ऑथेंटिकेशन का जो है वो हमने देखा था कि फंक्शन हम कैसे यूज कर रहे थे, कैसे सेटअप किया था। सो आज हम आगे जाते हैं एंड लास्ट सेक्शन में आपने देखा था कि हमने कैसे जो है यहाँ से एक जो है वो पर्टिकुलर यूजर को, जैसे ही यूजर हमारे सिस्टम पे आता है एंड जो है वो अगर वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है यहाँ से आता है, जाहिर सी बात है आपको पता है कि टॉप टू जो है वो बॉटम चलता है एग्जीक्यूशन किसी भी जो है वो प्रोग्रामिंग का एंड लेफ्ट टू राइट चलता है एग्जीक्यूशन। तो यहाँ से एग्जीक्यूशन जैसे स्टार्ट हुआ तो यहाँ से यूजर ऑथेंटिकेटेड नहीं था, सो दैट्स वाई वो इफ के अंदर नहीं आया एंड देन जो है वो ये वाला स्क्रिप्ट जो है वो एग्जीक्यूट हुआ, ये वाला स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हुआ। तो आप देख सकते हैं कि व्यू लोड हुआ, लोड होने के बाद यहाँ पे हमने कह दिया कि रिडायरेक्ट यूआरएल एक फंक्शन है जो लाइब्रेरी का है, जो हम थर्ड पर्सन लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा आगे जाते हैं एंड हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि जो है वो कैसे जो है मिलता है हमें कंटिन्यू एज अ जो है वो शहजाद। तो बिकॉज मेरा नाम शहजाद है, मैं उसी से ही लॉग इन हूँ। तो आप देखेंगे कैसे, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, ऑथेंटिकेट कर देगा हमें। ठीक है, एंड तब ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, तब ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो वो यहां पे आएगा, आने के बाद वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट सेंड करेगा एक जो गेट होगी, जिसकी टाइप गेट होगी और स्लैश मी। तो ये आप देख सकते हैं कि आपका ये क्वेश्चन मार्क्स है और फील्ड्स जो है वो कौन कौन सी चाहिए। तो फील्ड्स आप देख सकते हैं कि आईडी चाहिए फिलहाल मुझे, ये जाहिर सी बात है फेसबुक की आईडी होगी, नेम चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए। तो आप इससे ज्यादा भी जो है चीजें जो है वो ले सकते हैं, फॉर इंस्टेंस फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पिक्चर एंड जेंडर भी ले सकते हैं आप। तो जैसे ही जो है वो यहां से आपसे आपको जो है वो डेटा मौसूल होगा, उसे आप एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे एंड फिर हम आगे देखेंगे कि हम आगे जो है वो किस तरीके से कर रहे हैं। सो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे क्लिक करते हैं कंटिन्यू एज अ शहजाद। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि हमें ऑथेंटिकेट करेगा और कहेगा कि भाई जो है वो ठीक है, आप ओके कर दें। जैसे ही ओके करेंगे तो यहां से वो आपको रीडायरेक्ट करेगा आपकी अपनी वेबसाइट पे। तो आपने यहां देखा कि आपकी वेबसाइट पे उसने रीडायरेक्ट किया, अब उसने आपकी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट किया, सो दैट्स वाई हम इसे करते हैं, इसे एल्स के अंदर रख देते हैं और ये एल्स के अंदर आया। तो जैसे ही ये एल्स के अंदर आया एंड हम यहाँ पे वार डंप कर लेते हैं, वार डंप करने के बाद हम जो ये यूजर के अंदर डेटा आ रहा है इसे वार डंप करवा के देख लेते हैं ताकि आपको पता चले कि हाँ वाकई में जो है वो आपको जो है चीजें मिल रही हैं। तो आप देखेंगे कि आपको जो है एक एरे मिल रहा है, आईडी है, ये आईडी है, उसके बाद में शहजाद अहमद है एंड एक ईमेल आपको मिल रहा है। अगर मैं कहता हूं ये ऑथेंटिकेट हो चुका है आपका यूजर, ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं कि मुझे भाई जो है वो नेम नहीं चाहिए, मुझे जो है फर्स्ट नेम चाहिए एंड आई थिंक अंडरस्कोर लास्ट नेम चाहिए। तो जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करता हूं तो आप देखेंगे कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ रहा होगा, फर्स्ट नेम शहजाद अहमद है, लास्ट नेम अहमद है, तो ये ईमेल आपका ये है। अगर मैं कहता हूं कि मुझे जो है वो ईमेल भी चाहिए और ईमेल के बाद मुझे जो है जेंडर भी चाहिए, जेंडर, तो मेक श्योर जो है ये कॉमा से सेपरेटेड होगा आपका। ठीक है, रिफ्रेश करता हूं तो आप देखेंगे कि आपको जो है जेंडर भी मिल रहा होगा बिकॉज मेल जो है सेट किया हुआ है। अगर मैं कहता हूं कि मुझे जो है और क्या चाहिए, पिक्चर भी चाहिए, वापस जाऊंगा रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे कि वो मुझे पिक्चर भी दे रहा होगा। ठीक है, पिक्चर पिक्चर पिक्चर, तो यहां पे देखेंगे आप पिक्चर, पिक्चर के अंदर एक एरे है, उसके अंदर जो है ये यूआरएल है, बूलियन फॉल्स एंड आपको ये यूआरएल दे रहा है। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं यहां पे आने के बाद एक और जो है वो, अब यहां पे आने के बाद आप पे डिपेंड करता है कि इसे जो है किस तरीके से व्यू करवाएंगे। हमने वार्डम के अंदर व्यू करवाया हुआ है अपने इस फंक्शंस को। अगर आप यहां पे एक और व्यू बनाएं, दिस
दिस लोड व्यू, व्यू का नेम फॉर इंस्टेंस ये साइन इन है, हम इसे क्या देते हैं डेटा, ठीक है, डेटा के नाम से हम एक व्यू बना लेते हैं, ठीक है। एंड सेकंड पैरामीटर में हम जो यहां से डेटा के अंदर ये देखें, हम यूजर को जो है वो यहां पे दे रहे हैं, हम यहां पे व्यू बनाएंगे डेटा के नाम से डेटा डॉट पीएचपी, ठीक है। उस व्यू को हम ओपन करते हैं, उस व्यू को हम ओपन करते हैं, ये डेटा का व्यू है, डेटा डॉट पीएचपी की हमने अभी भी जो फाइल बनाई है, या आप इन सिंपल वर्ड्स कह सकते हैं हमने व्यू बनाया है। यहां पे हम आने के बाद हम कहते हैं कि भाई यूजर का फर्स्ट नेम, फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूं कि ये डिव है, एंड इस डिव को मैं क्लोज करता हूं, एंड मैं यहां पे कह देता हूं फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, एंड यहां पे मैं कह देता हूं यूजर, यूजर का यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे फर्स्ट नेम है, ठीक है, यूजर का फर्स्ट नेम, ठीक है, तो ये फर्स्ट नेम। एंड जैसे ही रिफ्रेश करता हूं मैं अपने पेज को तो आप देखेंगे कि यहां, बिकॉज ये यहां पे हमने इसको हम क्लोज करते हैं, जैसे ही हम रिफ्रेश करते हैं तो ये फर्स्ट नेम आपका आ रहा है, हमने इसको एको नहीं किया, वापस जाएंगे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट नेम चेक्सी आ रहा होगा। ऐसे ही आप जो है वो लास्ट नेम लिखेंगे, लास्ट नेम, ईमेल एंड जेंडर, यहाँ पे लास्ट नेम, लास्ट नेम। अब ये आप कैसे लिख रहे हैं, बिकॉज आपको एक एरे जो है वो मिल रहा है, हम वार्डम जो है वो एरे को करेंगे, एरे यूजर के अंदर है, एंड इसको जो है हम स्क्रिप्ट में लिखते हैं बिकॉज ये पीएचपी का फंक्शन है, एंड क्वेश्चन मार्क्स की साइन, ठीक है, एको नहीं करेंगे इसको, हम जस्ट वार्ड ऑन करेंगे ताकि आपको पता चले कि भाई ये देखें, एंड इसको मैं बीआर कर देता हूं कुछ बार ताकि आपको जो है वो फर्क जो है कुछ डिफरेंस जो है नजर आ जाए। ये आपको जो है फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिल रहा है, आप यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए इसे जो है वो बीआर भी कर सकते हैं, एंड यहाँ पे बीआर, यहाँ पे बीआर, एंड यहाँ पे बीआर, वापस जाएंगे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे आपको चीजें जो है वो कुछ इस तरीके से जो है नजर आ रही है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये वही चीजें हैं जो यहाँ पे आप दे रहे हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, उसके बाद में आपका ईमेल एड्रेस है, यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस दे देंगे, उसके बाद में आपका जेंडर है, यहाँ पे आप जेंडर दे देंगे, ठीक है, ये जेंडर, एंड यहाँ पे ये जेंडर, वापस जाएंगे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जो है ईमेल भी मिल रहा है, जेंडर भी मिल रहा है। एंड देन आप यहां पे आने के बाद पिक्चर में देखेंगे कि जो आपने पिक्चर, ये पिक्चर, उसके बाद में एक एरे मिलेगा आपको डेटा का, एंड उस एरे के अंदर आप देखेंगे पिक्चर डेटा, ठीक है, तो ये पिक्चर, ये आपका एक और हम बना लेते हैं, फर्स्ट नेम, ये लास्ट नेम, हम कह देते हैं इसको टाइम बचाने के लिए, ये ईमेल कह देते हैं हम इसको, और हम इसको कह देते हैं कि ये जेंडर है, एंड हम इसको कह देते हैं कि ये पिक्चर है हमारी जो हमने लास्ट पैरामीटर में पास की हुई है, एंड यहाँ पे आने के बाद हम कह देते हैं कि ये पिक्चर है, पिक्चर के अंदर हम कहते हैं कि भाई जो है वो डेटा, बिकॉज यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे पिक्चर में डेटा का एक जो है वो सेक्शन है, यहाँ पे जैसे ही आप डेटा करेंगे, वापस जाएंगे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक आपको एरर जनरेट मिल हो रहा होगा, बिकॉज जाहिर सी बात है ये जो है वो एरे जो है वो जनरेट होता है, एंड यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे यू आर एल आ रही होगी आपके जो है वो थर्ड पैरामीटर के अंदर, बिकॉज हम आपको अभी बताते हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ पे यू आर एल लिखेंगे हम और इसको हम सेव करेंगे, यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे, एंड जाहिर सी बात है चीजें आपकी हट चुकी हैं, ठीक है। तो ये एक एरे है डेटा, उसके अंदर एक
दो एरे आपको मिल रहे हैं इस, ये देखें आपका, एंड यहाँ पे आने के बाद ये देखें एक URL मिल रहा है आपका। सो दैट्स वाई हम जो है ये थ्री डायमेंशनल एरे है, सो इसी वजह से हम इस तरीके से लिख रहे हैं। अगर आप इसे जो है कुछ इस तरीके से करना चाहें, ये इमेज हम कहते हैं इमेज src, बिकॉज URL मिल रहा है इमेज का, ये इमेज आ गया, और रिफ्रेश करते हैं, जाने सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको जो है वो पिक्चर मिल रही है मेरी, जो मेरी जो है वो करंट प्रोफाइल पिक्चर है। ये आप देखेंगे कि मेरी करंट प्रोफाइल पिक्चर, मैं आपको दिखा देता हूँ, उस यूजर की जो है वो करंट प्रोफाइल पिक्चर आपको मिल रही होगी, ये प्रोफाइल, एंड ये देखें ये मेरी प्रोफाइल है। आप देख सकते हैं कि ये प्रोफाइल पिक्चर जो है वो यूजर की मिल रही है। तो यहां पे आने के बाद अब यहां तो आपको डेटा मिल रहा है, आप उसे व्यू के अंदर सेंड करवा रहे हैं, ठीक है। यहां पे आने के बाद आपको डेटा मिल रहा है, आप उसे जो है सेशन के अंदर स्टोर करवाएं, स्टोर करवाने के बाद उसे डेटाबेस में स्टोर करवाएं, चेक करवाएं डेटाबेस के अंदर। तो लॉजिक्स आप जो है वो कुछ भी लगा सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है ये कि जो है वो लॉजिक आप क्या लगाते हैं। हमने जस्ट जो है वो गेट करवाया रिजल्ट एंड उसे एक व्यू के अंदर जो है वो दिखा दिया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें जो है व्यू के अंदर चीजें मिल रही है। मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं ताकि आपको जो है वो क्लियरली चीजें समझ में आ जाए। तो यहां देखें हमें जो है वो कुछ चीजें मिल रही हैं, पिक्चर मिल रही है फर्स्ट नेम लास्ट नेम। आप और भी देख सकते हैं कि यहाँ पे आप जितने भी जो है वो पैरामीटर देंगे आप जो है आपको चीजें मिल जाएंगी, या जो आपको फेसबुक अलाउड करता है। तो आप यहाँ पे व्यू के अंदर सेंड कर रहे हैं, तो ये तो मैं आपको जस्ट जो है दिखाने के लिए कि भाई आप व्यू के अंदर सेंड कर रहे हैं। अब आप इससे जो है ऑथेंटिकेशन करवा सकते हैं अपने जो है वो आपके पास जो भी डेटाबेस होगा आपका, ठीक है। तो आपकी लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है, जाहिर सी बात है आपको डेटा मिल रहा है, आप यहां से जो है वो चेक करवा सकते हैं कि इसके अंदर जो ईमेल है आप उसे चेक करवा सकते हैं अपने मॉडल के अंदर। जस्ट मैं आपको हिंट दे रहा हूं, दिस लोड मॉडल, अगर आपका ऑटो लोड पे लगा हुआ है तो लोड करवाने की जरूरत नहीं है, मॉडल को लोड करवाएंगे आप जो भी आपका एक्स वाई जेड मॉडल है, एंड देन आप जो है यूजर को चेक करवा सकते हैं दिस एक्स वाई जेड। चेक ईमेल, तो यहां से आप चेक करवा सकते हैं अगर जो है वो ऑलरेडी, अगर ऑलरेडी जो है वो ईमेल एग्जिस्ट करता है तो जाहिर सी बात है आप रीडायरेक्ट यहाँ पे करवा सकते हैं, यहाँ पे इफ में चेक करवा सकते हैं कि अगर यूजर अवेलेबल है तो उसे रीडायरेक्ट करवा दो, वरना ये ईमेल को और इस यूजर की इंफॉर्मेशन को सेव करवा दें अपने डेटाबेस के अंदर। उसके बाद में इसको सेशन में भी आप स्टोर करवा सकते हैं बिकॉज आपका ये सिस्टम है। आप यहाँ पे देखेंगे कि shakzi.com पे जैसे ही मैं जाता हूँ एंड यहाँ पे आने के बाद मैं लॉग इन करता हूँ, लॉग इन करने के बाद मैं क्लिक करता हूं तो मेरी यही लॉग इन विद फेसबुक। जैसे ही मैं लॉग इन विद फेसबुक करता हूं तो आप देखेंगे कि मुझे, मैं क्या करता हूं कि उस पर्टिकुलर यूजर को डेटाबेस में चेक करवाता हूं, अगर तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो मैं उसका सेशन बना के उसे रिडायरेक्ट करवा देता हूं होम के ऊपर। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, अगर नहीं है तो मैं क्या करता हूं उसकी एक एंट्री बना के उसे जो है स्टोर करवा देता हूं फेसबुक में एंड उसका डेटा रिट्रीव करवा के दोबारा उसका सेशन बना के रिडायरेक्ट करवा देता हूँ होम पे। तो लॉजिक्स आपकी कुछ भी हो सकती है। सो आज के लिए इतना ही, आई होप आपने हमारी इस सीरीज को एंजॉय किया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप हमसे जो है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप जो है हमें डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहीं भी कॉन्टेक्ट छोड़ सकते हैं, जो है वो कमेंट कर सकते हैं एंड थम्स अप अगर आप एंजॉय, आपने ये जो है सीरीज हमारे एंजॉय की। हम थोड़ा सा समअप जो है करेंगे अपने आने वाले जो है लेक्चर में ताकि आपको चीजें जो है बिल्कुल क्लियरली जो है वो नजर आए एंड आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियरली जो है समझ में आ जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।